फिर से फरीदाबाद की। फरीदाबाद साइबर सेल पुलिस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करते थे। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी के बकाए राशि दिलवाने के नाम पर भी ये लोग उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूल करते थे। साइबर सेल टीम ने इन चारों आरोपियों से 21 लाख रुपए नकद और 20 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच एसीपी अनिल कुमार ने बताया, अपने कार्यालय सेक्टर 30 में पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि 2016 से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय इस गिरोह के चार आरोपियों को वह पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। बाकी चार आरोपियों को हाल ही में उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे और उनसे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की बकाया राशि दिलवाने के नाम पर पैसे लेते थे। जो कोई व्यक्ति लाखों रुपए में इंश्योरेंस के चलते पैसे देता था, फिर उसके पास इनकम टैक्स अधिकारी बनकर कॉल करते थे और उसकी आय का ब्यौरा मांगते थे। ये शातिर ठग गिरोह के सभी सदस्य 10वीं और 12वीं ही पास हैं। उसके बाद भी दिमाग का इस्तेमाल गलत जगह पर करके सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं। ये फरीदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 लोगों को पहले जुडिशियल भेजा जा चुका है और 4 लोग जो मुकेश, अविनाश, शंकर सिंह और रोहित, इनको आज जुडिशियल भेजा जा रहा है। ये लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लैप्स पॉलिसी, उनका बकाया पैसा दिलाने के लिए पहले पैसे ऐंठते हैं और बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर बन अपने आप को दिखा के और लोगों से पैसे लेते हैं। तो इस संबंध में एक हमारे यहाँ FIR दर्ज हुई थी 15 जनवरी को और उसमें हमने 21,60,000 रुपये रिकवर किए हैं। एक विक्टिम थी यहाँ फरीदाबाद से, उसने 2016 से वो लगातार इस गिरोह को पैसे दे रही थी। कभी इन्होंने स्टार्टिंग किया स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करते हैं 15,000-20,000 से, और बाद में धीरे धीरे उसका अमाउंट को इंक्रीज करते रहते हैं। किस तरह से काम करते थे, कैसे फंसाते थे, क्या यूनिट अलग अलग थी या एक ही यूनिट के दो पार्ट थे, किस तरह से करते थे? देखिए, ये जो एक तरह से कॉल सेंटर चलाते हैं, इसमें अलग अलग लोगों के इन्होंने काम डिवाइड किए हुए हैं। एक का काम होता है कि फर्जी सिम प्रोवाइड करवाना, फ़ोन प्रोवाइड करवाना और जो कॉल सेंटर के लिए जो स्पेस थी उसका एग्रीमेंट करना। एक टीम का काम होता है कि आपको कॉलिंग करनी है, एक जो कॉल सेंटर का संचालन करता है और जो डाटाबेस इनके पास आता है, जो ये बच्चे रिक्रूट करते हैं कॉलिंग कॉल सेंटर के अंदर, उसके अंदर वो डाटा अपना साथ लेके आते हैं। कुछ वो पहले भी कहीं हो सकता है कि काम कर रहे हों, तो वो डाटा अपने साथ लेके आते हैं, इसीलिए उनको सैलरी के साथ साथ उनको परसेंटेज भी देते हैं।